सो वेलकम बैक टू मोस्ट टेकी। मैं हूँ यश और यार आज मेरे पास में टॉप 5 मैकेनिकल गेमिंग वाले कीबोर्ड है, अमेजोन से मैंने उठा लिया है। और ये सारे के सारे मैकेनिकल कीबोर्ड 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में ही है। और एक मैकेनिकल कीबोर्ड और एक सादे कीबोर्ड में मेनली फर्क ये रहता है कि मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है, मतलब जो की ट्रैवल वगैरह रहता है वो काफी सही रहता है। लैपटॉप के कीबोर्ड के मुकाबले कीज काफी टैक्टाइल रहती है, अगर आप गेम वगैरह खेलेंगे तो उसमें काफी मजा आएगा आपको। यहाँ पे सबसे पहला कीबोर्ड है ये आरपीएम यूरो, एंड इवन प्राइस में भी सबसे सस्ता है ये, 700 रुपए में ही आ जाता है। मतलब इससे सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड अमेजोन पे मुझे नहीं मिला। कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉक्स है, पूरी बबल रैप वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो बिल्ड है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, एकदम ज्यादा फ्लेक्स वगैरह भी नहीं होता है। इवन यहाँ पे आरजीबी बैकलाइट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये स्क्रोल वाली बटन को दबाना पड़ता है तो जाके आरजीबी चालू हो जाता है। एंड इतना ज्यादा ये ब्राइट नहीं है, आपको देखते ही समझ आ जाता है। एंड आई डोंट नो, अगर आप इसे नॉर्मल रूम लाइटिंग में रखेंगे तो इतना ज्यादा विजिबल भी नहीं रहेगा इसका आरजीबी। इवन टाइपिंग एक्सपीरियंस भी सेमी मैकेनिकल इसके डब्बे पे ही लिखा था तो इतना मुझे कुछ तगड़ा नहीं लगा, मतलब कीज इतनी ज्यादा टैक्टाइल नहीं थी। ये कीबोर्ड मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि कम से कम पैसे में किस टाइप का मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है। वही 150 रुपए और देने पर आपको ये रेड गियर वाला कीबोर्ड मिलता है। और ये जो 150 रुपए आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं वो काफी वर्थ इट है इस कीबोर्ड के लिए। फीचर वीचर भयंकर देख रखे हैं। चलिए डब्बा खोल लेते हैं पहले। और यहाँ पे कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। कीबोर्ड के अलावा यहाँ पे भाई कुछ ज्यादा पुस्तकें वगैरह नहीं है, बस एक स्टिकर वगैरह दिया हुआ है रेड गेयर का। और यहाँ पे कीबोर्ड को देखते ही सच में काफी प्रीमियम क्वालिटी वाली वाइब्स आती है। यहाँ पे जो पूरी की पूरी फ्रेम है ना ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है एंड सच में काफी तगड़ी क्वालिटी की लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर कटिंग वगैरह भी बनी हुई है इसके ऊपर में। चलिए इसे केबल को कनेक्ट करते हैं और भाई केबल भी यहाँ पे ब्रेडेड वाली मिल जाती है। और यहाँ पे पूरा की पूरा आपको आरजीबी देखने को मिल जाता है और सच में काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। इसके अंदर में रेड कलर तो है ही, उसी के साथ में ब्लू मिलता है एंड इवन पिंक कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें एक 7 कलर वाला वेरिएंट भी आता है जो 100-200 रुपए से महंगा रहता है। और कीबोर्ड के बैक साइड की बात करें तो काफी तगड़े क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है। इवन इसका स्टैंड भी काफी तगड़ा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे सूटकेस की पेटी खोलते हैं उस टाइप की फीलिंग आती है इसे खोलने पे। इवन बैकलाइट की ब्राइटनेस के 3 मोड मिल जाते हैं, 1, 2, 3। इवन कीबोर्ड के साइड में भी आपको लाइट जलता हुआ दिख जाता है। और यहाँ पे भी लेजर कट वाली कीज मिलती है जिसमें अल्फाबेट के पीछे में लाइट आपको मिलता है। और इधर में आपको 1000 हर्ट्ज तक इसका पोलिंग रेट मिल जाता है, मतलब अगर गेम वगैरह खेलोगे तो 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलेगा। और यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस भी सच में काफी सही है, आप साउंड भी सुन सकते हैं यहाँ पे। और इवन की ट्रैवल भी काफी ज्यादा है और काफी सैटिस्फाइंग सा लगता है। एंड इवन यहाँ पे जिस तरह से इसका डिजाइन है ना, तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी मिलता है इस एल्यूमिनियम फ्रेम के कारण, का हाथ इस तरह से आप सेटल कर सकते हैं इसके ऊपर। बट एक दिक्कत मुझे ये लगी कि इसकी जो नम लॉक वाली लाइट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग से हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं उसका एंगल ही बिल्कुल आपके आंखों की तरफ आता है, बिल्कुल भी म्यूटेड नहीं है। वैसे आप उसे मैक्सिमम टाइम बंद ही रखेंगे। इस आरपीएम वाले कीबोर्ड के मुकाबले ये सच में काफी सही है और जो थोड़े आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना वो सच में काफी वर्थ इट रहेंगे। इसके बाद में अब आता है अगला कीबोर्ड, ये ईवो फॉक्स की तरफ से। ये कीबोर्ड मुझे कुछ 900 रुपए का पड़ा, 50 रुपए ज्यादा देने के बाद में भी यहाँ पे डब्बा छोटा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर में आपको नम पैड नहीं मिलता है। इसका डब्बा खोल लेते हैं और डब्बे में क्या आता है देखते हैं। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है यहाँ पे, अगेन पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम ही है बाकी कीबोर्ड के जैसी। ये एक कीबोर्ड मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पे स्टिकर वगैरह भी दिए हुए हैं। सच में इसका साइज काफी छोटा सा है और अगर आपका कॉम्पैक्ट सा टेबल है ना तो उसके लिए काफी सही रहेगा। यहाँ पे टोटल 87 कीज आपको देखने को मिल जाती है एंड वेट भी काफी कम है इसका। इसके अलावा इसके अंदर में 1990 घोस्टिंग वाली कीज है, मतलब गेमिंग के लिए काफी सही रहेगा। एंड रेड गियर वाला जो आपको दिखाया था उसमें भी सेम आपको 19 कीज मिलती है। और इवन यहाँ पे आपको आरजीबी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरे के पूरे कलर चेंज नहीं होते हैं, मतलब एक ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, पिंक पिंक ही रहेगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा। इवन इसमें भी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लेवल्स आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और एक चीज इसके अंदर में नई देखने को मिलेगी वो ये है कि आप फंक्शन प्लस ये वाली बटन दबाने के बाद में ना ये इस तरह से ब्रीदिंग वाले मोड के अंदर में चले जाता है और ये सच में काफी सही दिखता है, इस तरह से बंद चालू होते रहता है। वैसे यहाँ पे जो इसकी पूरी की पूरी बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई है, इवन बैक साइड भी पूरा प्लास्टिक देखने को मिलता है। क्वालिटी काफी डिसेंट लग रही है, एकदम खराब टाइप का प्लास्टिक डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा ये स्टैंड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइपिंग करके देखा तो डेफिनेटली मैकेनिकल कीज काफी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। अब यहाँ पे कौन सी स्विचेस है ये तो मुझे पता नहीं, बट इस साइज के हिसाब से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफी सही है। और ये भी बता दूं कि सारे के सारे कीबोर्ड में आपको विंडोज की लॉक करने के लिए भी मिल जाती है, मतलब अगर गेम वगैरह खेलोगे तो बार बार विंडोज की दबेगी नहीं। शायद आरपीएम वाले में ना हो बट बाकी सब में। ओवरऑल अगर एक कॉम्पैक्ट सा छोटा सा कीबोर्ड चाहिए तो ये कीबोर्ड काफी सही रहेगा। भाई इसके बाद में आता है ये वाला ज़ेब्रोनिक्स वाला ट्रांसफॉर्मर K2 वाला कीबोर्ड, और इसे मैंने कुछ 950 के अराउंड अमेजोन से खरीदा है। और ये सब चीजें मैंने सेल में खरीदी तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बेस्ट प्राइस इसका यही है। ऐसे प्राइस कम ज्यादा होते रहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे डब्बा काफी बड़ा की बड़ा है, यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए भी मिल जाता है इस तरह से। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, काफी यूनिक सा डिजाइन लग रहा है, मतलब इस तरह से कटिंग वटिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको केबल भी ब्रेडेड वाली देखने को मिल जाती है और इन लोगों ने डब्बे पे भी मेंशन किया है यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड वाला यूएसबी मिलता है। इसका ऐसा कोई फायदा नहीं होता है, बस रस्ट वगैरह नहीं लगेगा इसके ऊपर में। और इसे प्लग करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आरजीबी देखने को मिल जाता है। एंड सच में यार इसका जो बैकलाइट है ना वो काफी सही लग रहा है, मतलब ये आरजीबी वाला इफेक्ट है ना ये बहुत ही सही तरीके से दे रहा है।
एंड आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डिफ्यूज वाला आपको इफेक्ट मिलता है, एकदम ज्यादा आंखों में चुभेगा नहीं आपको, ऐसा लग रहा है नीचे में धुआं है और उसके अंदर में लाइट चालू है। यहाँ पे ओवरऑल आरजीबी यहाँ पे काफी सही तरीके से ब्लेंड हो जाता है पूरा की पूरा। फंक्शन प्लस ये वाली बटन दबाने के बाद में ये ब्रीदिंग वाले मोड के अंदर में चले जाता है, ये काफी शांति से बंद चालू होते रहेगा इस तरह से। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी डिसेंट सा है, की ट्रैवल भी काफी सही लग रहा है इसके अंदर में। यहाँ पे नम लॉक का लाइट भी काफी फेडेड सा है, ज्यादा चुभेगा नहीं आपके आंखों में। बस इसके अंदर मुझे एक ही दिक्कत लगी कि जो आरजीबी है ना ये कीज को बैकलाइट नहीं करता है, मतलब बाकी कीबोर्ड में आपको लेजर कटिंग देखने को मिलती है बट इसके अंदर में अल्फाबेट्स के पीछे में लाइट नहीं जलता है, सब लाइट जो है वो आजू बाजू में जलता है। मतलब अगर आप अंधेरे में बैठेंगे कीबोर्ड को लेकर तो काइंड ऑफ दिक्कत होंगी आपको अल्फाबेट पहचानने में। ओवरऑल काफी हेवी सा कीबोर्ड है, प्लास्टिक काफी तगड़े क्वालिटी का है इसका, इवन बैक साइड में भी आप देख सकते हैं हनीकॉम वाला डिजाइन है। ओवरऑल काफी तगड़ा सा कीबोर्ड लगता है लेने में, इवन यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स का लोगो को भी है, इस तरह से लाइट अप हो जाता है। कह सकते हैं काफी डिसेंट कीबोर्ड है, कुछ बैकलाइट वाला इशू तो है इसके अंदर में बट डिजाइन वगैरह अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। अब भाई सबसे आखिरी वाला कीबोर्ड जो लिटरली मैंने 999 पे लिया, अगर इससे एक रुपए ज्यादा हो जाता तो भाई वीडियो का टाइटल ₹1000 वाला नहीं हो पाता था। ये कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट का कोरोना आरजीबी, भाई नाम तो अच्छा नहीं है बट कीबोर्ड डेफिनेटली काफी अच्छा है, मैंने इसे पहले ही यूज कर चुका हूं करके भाई आपको सील वील भी सब फटी हुई दिखेगी यहाँ पे। इवन यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाता है, भाई यूजर मैनुअल का एक ही मतलब इसके अंदर में फंक्शंस डेफिनेटली ज्यादा रहेंगे बाकी कीबोर्ड्स के मुकाबले। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको एक कीबोर्ड मिल जाता है, बैक साइड का जो पैनल है वो पूरा की पूरा रेड कलर का है एंड जो बिल्ट है वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की है बट अगेन तगड़े क्वालिटी का प्लास्टिक है, सच में ऐसे हाथ में लेने पर काफी हेवी सा लगता है। इवन केबल भी यहाँ पे ब्रेडेड वाली आपको देखने को मिल जाती है एंड लेंथ भी काफी सफिशियंट है इसकी। भाई ये कीबोर्ड के अंदर में आरजीबी जो है ना वो सबसे भयंकर लेवल का है बाकी कीबोर्ड्स के मुकाबले, लिटरली इसके अंदर में इतने सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। आप जैसे फंक्शन प्लस 1 दबाएंगे तो ये एक टोन में चले जाता है, फंक्शन प्लस 2 दबाने के बाद ये कुछ इसका लाइटिंग पैटर्न इस तरह से बदल जाता है, फंक्शन प्लस 3 दबाने पे इस तरह से ब्रीदिंग वाले मोड में चले जाता है, फंक्शन प्लस 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से लाइट्स इसके घूम रहे हैं इस तरह से। एंड इवन इस लाइट की आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्लो स्लो करना है तो फंक्शन प्लस माइनस दबा दो, काफी स्लो स्लो इस तरह से ट्रैवल करेगा, प्लस दबाने पे काफी स्पीड में इस तरह से तड़तड़ा के घूमने लग जाएगा। फंक्शन प्लस 5 पे बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है एंड भाई मेरे को तो बिल्कुल स्टैटिक वाला ही पसंद है, एकदम आरजीबी घूमता है तो मेरा सर बनाने लगता है। कलर्स आपको काफी सारे देखने को मिल जाते हैं और लिटरली व्हाइट कलर काफी सही दिखता है एंड आप अगर चाहे तो इसे आरजीबी वाले मोड के अंदर में भी रख सकते हैं बिल्कुल स्टैटिक मोड में, और 6 दबाने के बाद में कुछ इस तरह से वेरिएशन होता है इसमें। 7 पे ये गेमिंग वाले मोड में चले जाता है जिससे WASD चालू रहता है, फंक्शन प्लस 8 दबाने के बाद में आप देख सकते हैं कीबोर्ड की कीज दबाने के बाद में जो बैकलाइट है वो चालू होता है, भाई ये सच में काफी सही सा लगा मुझे। एंड फंक्शन प्लस 9 दबाने के बाद में जब मैं बोलता हूँ तब इसका लाइट चालू होता है, तो अगर आप म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं तो ये काफी इस तरह से लाइट बंद चालू होगा और अगर बिल्कुल शांति रहेगी तो लाइट बंद हो जाएगा इस तरह से। इवन इसके कीज में भी आपको स्लाइट सा कर्व देखने को मिल जाता है इस तरह से ताकि आपकी ग्रिप अच्छे से आए इसके अंदर। देखो कुल मिला के कहा जाए तो कॉस्मिक वाइट का कीबोर्ड का प्राइस भी काफी ज्यादा है, मेरे को ये 999 का पड़ा बट ये नॉर्मल डेज में इसका प्राइस काफी ज्यादा रहता है, तो अगर आपको आरजीबी वगैरह का बिल्कुल तड़का चाहिए तो उसके लिए ये कीबोर्ड काफी सही रहेगा। और वही अगर आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल तगड़े लेवल का चाहिए तो ये रेड गियर का कीबोर्ड काफी सही चीज है, आप साउंड में भी डिफरेंस सुन सकते हैं। वही अगर कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो ईवो फॉक्स वाले के लिए आप जा सकते हो, और ज़ेब्रोनिक वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बट अगर आपको पसंद आता है ये वाला डिजाइन इस तरह का लुक तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं। आरपीएम की सस्ती मस्ती अगर आपको ₹700 से कम में मिलती है, मतलब अगर ये ₹500 में आता है अगर, तो उस हिसाब से काफी डिसेंट आप कह सकते हैं आरजीबी में मिल जाएगा, सेमी मैकेनिकल आपको कीबोर्ड भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां पे आपको लेटेस्ट प्राइस देखने को मिलेंगे तो आप इन कीबोर्ड्स को चेक कर सकते हो। तो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी मार लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में मिलते हैं।